अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ। अरे आंटी चटक गया, चला गया, काम भारी हो गया यहाँ पास, कांच चटक गया सैम भैया का। पूरा नहीं चश्मा बनेगा। हेलो दोस्तों, आज फिर एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं श्याम भैया के साथ। तो श्याम भैया कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? बस आप लोग वीडियो को देखो, हाँ, और देखो हाँ, मेरे से कैमरा पकड़ते नहीं बन रहा, जल्दी जल्दी बोलो। तो चलो रास्ते में बात करते रहे। ठीक है चलो, रास्ते में आपको बताएंगे कुछ ज्ञान की बातें। ठीक है, बिना किसी देरी के ये कौन सा ब्रिज है, जानकारी देंगे, देना चाहेंगे क्या श्याम भैया जी? ये मेरे को खुद रियल में बताऊं, ये मेरे को खुद ही नहीं पता है। कैसे कैसे लोग होते हैं इसमें, पैदल भी चलते हैं हाँ। लोग गाड़ी लेके भी जाते हैं, जो मतलब ब्रिज टाइप वो नहीं रहता है, रोकने टाइप का, लड़के लोग तोड़ देते हैं। अच्छा, शॉर्टकट का रास्ता पर, शॉर्टकट का रास्ता, ब्रिज का नाम नहीं पता, सॉरी। बाकी ये मुड़वारा स्टेशन है, देख सकते हैं कितनी अच्छी मुड़वारा स्टेशन है। और ये जो खम्भे लगे हुए हैं वो किस चीज़ के हैं? ये ब्रिज बन रहा है, एशिया का नंबर वन, ये एशिया का नंबर वन ब्रिज बन रहा है। हाँ, अपने यहाँ का। अच्छा, तो ये हमारे एशिया का नंबर वन ब्रिज बन रहा है, तो ये उसी के पिलर खड़े हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है 3-4 साल लग जाएगा, लगता है। अच्छा, 3-4 साल लग जाएगा श्याम भैया जी के इरादे से। मेरे ख्याल से तो ये वो बन रहा है, क्या कहते हैं, रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, वो मतलब ब्रिज ही बनना, जैसा सामने दिख रहा ना, हाँ, उसी टाइप का बनेगा। अच्छा, तो ये मतलब वो वाला नहीं रहेगा क्या, रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज? वो भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ मतलब कंफर्म नहीं है। ये फ्री का ज्ञान फैल रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था, फ्री का ज्ञान फैलेंगे। तो ठीक है, ये अपना आ गया वो ब्रिज, वीडियो डाली है, दो नाइट डे पूरी देखिएगा जरूर। आई बटन में देख लेना, वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। आई बटन मेरे से नहीं लगाते बनता है, तो आप चैनल में जाके देख लीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट सह लीजिएगा मेरे लिए। और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही, बट हाँ, इतनी गर्मी नहीं है, थोड़ा मौसम अच्छा भी हुआ था। मौसम बेमान है, बड़ा मौसम, कुछ भी, कुछ कभी मतलब धूप, कभी बारिश, कभी छाया, ऐसा जुकाम भी हो गया है। अभी बहुत अच्छा मौसम है, आज देख सकते हैं। आप लोग बोली से ही समझ सकते हो कितना मतलब आवाज कैसी आ रही है, जो जानबूझ के आवाज ऐसी करने की कोशिश करने, जानबूझ के नहीं, कोई जानबूझ के नहीं करता है। अच्छा, हाँ, ये हमारे यहाँ का क्या है, पेट्रोल पंप है, जगह का नाम पेट्रोल पंप के भारत पेट्रोलियम आगा मिशन चौक सॉरी मिशन चौक। तो कटनी का ही लोकेशन नहीं पता है, खैर वो है कृष्णा मेडिकल, उसी में तो पूछना रहा, वो कृष्णा मेडिकल हो, रिटर्न लौटते हैं पूछ लेंगे। अब दिखाना जाएंगे हम लोग आपको, क्या बताएंगे, क्या यहाँ गर्ल्स कॉलेज है, ये गर्ल्स कॉलेज है, ये देना नहीं है, देना नहीं है। हाँ, तुम मतलब कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, पूछ रहा हूँ सर भाई। गोलू को ऐसा शक लगता कि मतलब श्याम भैया की कोई गर्लफ्रेंड हो, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मतलब काम धंधा करो, वो सही है। अच्छा, ऐसा जानना जरूरी है। मनी वाई कंट हैप्पीनेस कम टू दुबई, यही वाला रोल गा रहा है। दुबई आना है क्या आपको? दुबई नहीं, भारत ही में रहना है। अच्छा, भारत में ही तो आती है दुबई। ये क्या बात कर, शायद आपको डिटेल नहीं है, कोई बात नहीं, क्लिप काट दूंगा। वो अलग है वे, ये क्या तो कहते हैं, आज वीडियो बड़ी मस्त बन रही है, ये कोतवाली थाना। हाँ, क्योंकि धूप आ रही है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो क्लियरिटी आ रही है, जो वीडियो की क्लियरिटी आ रही है, हमारी एडिटिंग की तारीफ कर रहे हैं श्याम भैया, तो मैं कहूँगा थैंक यू। ये बहुत अच्छी दुकान है, जरूर आइएगा। देसी शराब की दुकान, बड़ी मज़ेदार दुकान है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्या ही बताएं हम आपको, यहीं से डाल दो भैया, हम लोग आउट वे पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। ये देश भंडार, अंकल ने जगह ही नहीं दिए, पीछे वाला ठोके पड़ा है, तो हमने कि निकल लो रॉन्ग साइड से। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, सिटी में
बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अभी आगे। अनुपम ड्रेसेस, हाँ कौन सी वाली सब्जी मंडी की? ये है एक सब्जी मंडी वाली की, ये यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं, कहाँ रामलीला पंडाल। और ये जय जय हनुमान जी की, जहाँ फल फल मिलते हैं। अरे वही तो पीछे ही तो रही, यहीं से डाल दो, यहीं से डाल दो, यहीं से डाल दो, देख सकते हैं। इनको ये कैसे प्राणी हैं, इनको यहाँ का रास्ता तक नहीं पता है क्या करेंगे जीवन में। लोग देख रहे हैं हमको, हमारे पास कैमरा है तो कैमरा नहीं, घूमते नहीं है ना हम। घूमने भागने वाले व्यक्ति नहीं है हमारे जैसे। हाँ यही है वो वाली, ठीक है। हम लोग उतर, हम भैया ख़राब भैया देखो गाड़ी से उतार के मेरे को चले गए हैं। अरे अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ। अरे आंटी चटक गया, चला गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। काम भारी हो गया यहाँ पास, कांच चटक गया श्याम भैया का। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पूरे से काम डल गया, पूरा नहीं चश्मा बनेगा। यहाँ पर वो बनता है क्या तो कहते हैं चश्मा डिजाइन होता है, ये बहुत ही छोटी पुलिया है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही छोटी पुलिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक श्याम भैया का घाटा लग गया, उनके हाथ से कांच चटक गया, यहाँ पास गिर गया, तो बहुत दुख हुआ मुझे। तो यहाँ पर कुलिया, यहाँ पर सेव टंगा हुआ है लाल लाल, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और आपको डिटेलिंग आगे देता हूँ सर, क्या क्या कैसा सिस्टम देख सकते हैं। जूता उठा के ले गया था कुत्ता, यहाँ कुत्ते बहुत हरामी है, क्या बताएं आपको। वो ब्लैक वाला तो यहाँ पर श्याम भैया का नुकसान हो गया, उनका बेचारों का चश्मा टूट गया। चश्मा बनवाने ही आए थे लेकिन उनका अब कांच भी टूट गया, अब क्या होगा, पूरा पैसा बर्बाद हो गया यहाँ पर। तो देखते हैं, ट्रेन देख रहे हैं भैया कि कौन सा। फ़ोन पे नहीं हो पा रहा है, फ़ोन पे चलाता हूँ। कैमरे उसका ऑर्डर दे गया है, काहे का ऑर्डर दिए हैं अपन लोग चश्मे का। हाँ चलो, चश्मे का फ्रेम चेंज करवाना था लेकिन कांच भी तोड़ डाले, दुकान पहुँच के कांच भी टूट गया, तो छाता पलट गया। अब चलते हैं, कहाँ चलना है। तो यही कुत्ता था, जूता चुरा के भाग रहा था, ये वाला जूता था वो कुत्ता था, चुरा के भाग रहा था बट नहीं चुरा पाया। दोस्तों तो हो गया काम भारी, 200 की जगह कितना लग गया टोटल, 600 रुपये ठप गया है ना। अरे खोल रहे थे, अंकल को बता रहे थे, अंकल को क्या बता कि निकले गई उसका कांच ही निकल गया। लो अंकल खुशी मना रहा बेटा, मजा आ गया मेरे को, 600 रुपये दो तुम। पर हमको दुख लगा, बहुत ही दुख लगा, क्योंकि हम कमाते 1 रुपये नहीं है चश्मे में इतना ज़्यादा, आप समझ सकते हो। जिसके पास मतलब इनकम नहीं है कुछ करने का और वो इतना पैसा कर रहा है, तो थोड़ा दुख लगता है, दिल से दुख लगता है, दिल से बुरा लगा, दिल से। बाकी आगे गोलू बताएगा कितना दुख लगता है। मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कितना दुख लगता है, इस व्लॉग में नहीं बता सकता। देख रहे हैं पंखा चल रहा है, तो गाड़ी चल रही है, पंखा चल रहा है, तो सभी लोग चल रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी कैब, बहुत सारी कैब मिलती हैं। ये क्या है ये बताइए क्या? अरे ये मतलब जैन स्कूल है, और इसमें मतलब स्कूल भी है, बच्चे लोग पढ़ते भी हैं, और प्लस जैसे जैन का कुछ मतलब फंक्शन होता है तो उसी में मतलब फंक्शन भी होते हैं। ये हॉस्पिटल वाली लाइन बोल दो, या स्टेशन वाली लाइन बोल दो, या थाने वाली लाइन बोल दो। ये देख सकते हैं, ये थाना कोतवाली, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।
बहुत ही अच्छा जिला है। महावीर वाली दुकान बोल दो। अरे वही जगह का जो तुम पूछ रहे थे। क्या बोल दूं, मेरे को नहीं पता। ये कृष्णा हार्डवेयर देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी कटनी है हमारी। देख सकते हैं लाइन से दुपट्टे दुपट्टे, भैया का चोला आए रखता है यहाँ पर। गाना गा दूं मैं तो, मेरा जी चले तो, लेकिन खैर मेरे पास अभी डाटा नहीं है। मैं किससे डाउनलोड करके, मतलब कौन से म्यूजिक ऐप पे क्या कैसा करते हैं मेरे को पता नहीं। ये यहीं पे रोकना, कृष्णा मेडिकल उसी में मिल जा शायद। ये होटल ये देख सकते हैं, यहाँ पर कृष्णा मेडिकल है। यहाँ पर बहुत दूर दूर की वो मिल जाती हैं, दवाइयाँ मिल जाती हैं। हाँ हाँ, मतलब बाहर आहर की, जैसे कि नाक आगपुर वहाँ की भी दवाइयाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन क्या होता है फिर अपने साथ। पैसा आ गया होगा तब देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर हमेशा रही आती है। लोल हो गया आपके साथ, अब नहीं मिलने वाला कहीं भी नहीं। यही है एक दुकान जहाँ बाहर की दवाइयाँ मिल सकती हैं कृष्णा मेडिकल, लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिला, तब देखते हैं कहाँ मिलता है। देख सकते हैं स्कूटी में चाबी लगी है, पता नहीं किस इंसान की स्कूटी है, लेकिन वो चाबी लगा के चला गया। ऐसे में बहुत ही खतरा रहता है दोस्तों कि स्कूटी चोरी ना हो जाए। यहाँ पर पेट्रोल डलवा लेते हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा कितने का पेट्रोल। तो दोस्तों यहाँ पर शाम की जानकारी देते हुए अंकल बोले शाम को आ जाना 6 बजे चश्मा लेने, तो अब हम शाम को जाएंगे। तो आई होप हमारा चश्मा सही से बन जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मी का सीजन है तो बहुत ही ज़्यादा धूल फूल ये सब जाना जाती है, आप लोग समझते हो। अगर आप लोग गाड़ी चलाते हो तो आपको पता ही है कहाँ धूल जाती है, तो ये सब ध्यान में देना जरूरी है, चश्मा जरूरी है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों में शेयर करना जरूर जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता बस।